नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ साइंस सिटी में, जो कि कोलकाता में स्थित एक साइंस सेंटर और साइंस पार्क है। इसकी इस्टैब्लिशमेंट 1997 में हुई थी और फिलहाल ये गवर्नमेंट के एक ब्रांच के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे आपको साइंस ऑडिटोरियम, साइंस गैलरी और साइंस म्यूजियम देखने मिलेगा। फिलहाल मैं चलूँगा इसके अंदर और आपको बताऊँगा यहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ की टिकट प्राइस क्या है और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल मैं आ चुका हूं अंदर टिकट लेके और सबसे पहले मैं आपको यहां की टाइमिंग बता देना चाहूं। यहां की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक और ये वीक में सभी दिन खुला रहता है। यहां की टिकट प्राइस है 65 रुपीस एंट्री के लिए। अगर आप चाहें तो आप 195 का एक कॉम्बो ले सकते हैं, तो आपको एंट्री के साथ पैनोरामा शो और स्पेस थिएटर 3D भी देखने मिलेगा। आप चाहें तो आप 300 रुपये का एक कॉम्बो ले सकते हैं और उस कॉम्बो में आपको सभी शोज़ इंक्लूडेड मिलेंगे, लेकिन किसी भी कॉम्बो में आपको रोपवे या फिर रोड ट्रेन की टिकट इंक्लूडेड नहीं मिलेगी। उसकी टिकट आपको सेपरेटली ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप यहां आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि साइंस सिटी ईस्ट तोप्सिया में JBS हाल्डन और EM बाईपास के क्रॉसिंग पे स्थित है। आप यहां आने के लिए सियालदा से डायरेक्ट बसेस ले सकते हैं। अगर आप विधाननगर से भी आना चाहें तो आपको यहां के लिए डायरेक्ट बसेस बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। सियालदा और विधाननगर से आने वाली डायरेक्ट बसेस के नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये इस पार्क की जितनी भी डिटेल्स है, यानी जितनी भी राइड्स के टिकट प्राइस है, कॉम्बो टिकट प्राइस है, टाइमिंग्स है, मैंने सभी कुछ को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इस पार्क के अंदर और देखते हैं इस पार्क का नज़ारा। यह गेट फिलहाल बंद है, इसे बस अब सेल्फी पॉइंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लोग अपने सेल्फीज लेने आते हैं और जो मेन एंट्रेंस है वो बगल में है। मेरे पीछे आप मिसाइल पार्क को देख पा रहे हैं। इस पार्क में तरह तरह के रॉकेट्स को दर्शाया गया है जो कि इसरो के पास मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, शक्ति, मिशन शक्ति और पृथ्वी। और इसमें हमें एक स्टैचू भी देखने मिल रही है जो कि किसी और की नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम की है। मैं खड़ा हूँ विस्परिंग गार्डन में और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अगर इस रिफ्लेक्टर में आप मुंह लगा के कुछ बोलते हैं और
उस रिफ्लेक्टर पे आपकी कोई भी दोस्त या बंधु खड़े हैं और अपने कान को वहाँ पे लगाते हैं, तो आप जो यहाँ पे बोलते हैं उन्हें वहाँ पे सुनाई देगा। ये साइंस का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ये ज़रूर करिएगा, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लगता है। मैं इस कैमरा के ट्राइपॉड को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देता हूँ और देखता हूँ कि ऊपर से कैसा नज़ारा देखने मिलता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। इसके अंदर आप दो शोज देख सकते हैं, एक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड और पैनोरामा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इस शोज की प्राइस है 45 रुपीज़ और 60 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। दोनों मिला के अगर आप संग में टिकट काटते हैं तो आपको 85 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी। तो चलिए अब चलेंगे हम इसके अंदर और देखेंगे हमें इसमें क्या क्या देखने मिल रहा है। मेरे पीछे चरक संहिता और सुश्रुता संहिता को दर्शाया गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। इस ऑडिटोरियम को देखने के बाद मुझे बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की याद आ गई। वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने मिले थे। अगर आपको उस वीडियो को चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने उस वीडियो के लिंक को मेंशन कर दिया है। तो अभी मैं पैनोरामा ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन शो देख के बाहर निकल रहा हूँ। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो तो बना नहीं पाया, लेकिन मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट की है जिससे आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कैसा शो है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं एक राउंड सा थिएटर आपको देखने मिलेगा और उस पर एक स्क्रीनिंग होगी जो आपको खड़े होकर देखनी है, और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था ओवर द ईयर्स
ओवरऑल ये एक ठीक ठाक शो था, मुझे एवरेज ही लगा। और इसे देखने के बाद अब समय हो चुका है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड देखने की ओर, तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं उसका नज़ारा कैसा रहता है। और अब मैं आ चुका हूँ डार्क राइड देख के बाहर। ये एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था, हमें अलग अलग पीरियड के डायनासोर्स अंदर देखने मिले। डायनासोर्स के अलावा भी अलग अलग पीरियड के हमें एनिमल्स दिखाए गए। हम एक मूविंग व्हीकल में बैठे हुए थे और इस पूरा शो हमने उसी व्हीकल में बैठ के देखा। तो ओवरऑल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके टिकट की प्राइस है 45 रुपीज़। मैंने एक कॉम्बो टिकट लिया था 85 रुपीज़ का, जिसमें दो शोज आ गए थे। तो ओवरऑल उस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा और मैं ये ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। ये थी यहाँ की रोड ट्रेन, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस की ब्रांडिंग दी गई है। इसकी टिकट प्राइस है 25 रुपीज़ पर हेड। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं साइंस ऑन अ स्फीयर। इसकी टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ पर हेड, लेकिन फ़िलहाल इसकी टिकट ना मौजूद हो पाने के कारण मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर वीडियो और फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं है, तो मैं जाता भी हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसीलिए मैं 1 घंटा इसके लिए वेट ना करके टाइम मशीन की ओर अभी अग्रसर हो चला हूँ। मेरे पीछे आप जो इस मोशन सिमुलेटर को देख पा रहे हैं, यही है टाइम मशीन, और इसके अंदर अभी हम जाएंगे और देखेंगे इसके अंदर का नज़ारा कैसा रहता है।
अब हम आ चुके हैं टाइम मशीन के बाहर। यह शो काफ़ी ही छोटा था लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग था, हमें इतना में काफ़ी ही मज़ा आया। तो मैं ये ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ आते हैं तो। मेरे पीछे आप जो लाइन देख पा रहे हैं यह है स्पेस थिएटर की। इसमें स्पेस वॉयेजर शो लगा हुआ है। ये एक 3D शो है और इसकी टिकट प्राइस है 100 रुपये। फिलहाल समय की कमी होने की वजह से मैं ये शो में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पीछे आप जो लाइन देख पा रहे हैं ये है 3D थिएटर की। इसमें आपको कुछ एनिमेशन दिखाई जाएंगी 3D में। इसकी टिकट प्राइस है केवल 30 रुपये। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे यह शो कुछ एवरेज लगी थी, इसलिए मैं इस बार इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसे चेकआउट करना चाहें तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अब समय हो चुका है रोप वे की ओर चलने का और रोप वे में बैठ के इस पार्क से बाहर निकलने का। अब हम रोप वे में बैठ चुके हैं और ये रोप वे अब हमें डायरेक्ट साइंस सिटी के बाहर ले जाएगा। अगर आपको रोप वे में बैठना है तो आप आते वक्त डायरेक्ट रोप वे से अंदर आ सकते हैं। अगर आप नहीं उस समय नहीं बैठ पाते हैं तो आप साइंस सिटी पूरा घूमने के बाद लास्ट में रोप वे में बैठ सकते हैं और इससे बैठ के डायरेक्ट गेट के बाहर जा सकते हैं। इस रोप वे के चार्जेस है 60 रुपीज़ पर हेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह रोप वे हमें साइंस सिटी के बिल्कुल गेट के बाहर लेके जा रहा है। यानी अगर आप एक बार रोप वे से बाहर आ जाते हैं तो आप वापस एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप रोप वे पे तभी चढ़ें जब आप या तो एंटर कर रहे हैं या फिर पूरी साइंस सिटी घूमने के बाद जब आप एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये था हमारा सफ़र साइंस सिटी का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस जगह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि राइड्स की जानकारी, टाइमिंग्स की जानकारी या फिर यहाँ पे कैसे आना है या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी साइंस सिटी से रिलेटेड, तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे यहाँ की सभी डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।